global advertisers, scaling new heights in outdoor media. भोजपुरी फिल्म उड़ान का ट्रेलर और म्यूजिक मुंबई में सभी स्टार कास्ट की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। मुख्य किरदार में अभिनेत्री गुंजन सिंह है। फिल्म में टोटल 9 गाने हैं, जिसमें सैड सॉन्ग, रोमांटिक और आइटम सॉन्ग भी है। फिल्म के डायरेक्टर हैं अजय सिंह और म्यूजिक डायरेक्टर है राकेश त्रिवेदी। पहले नमस्कार आप सभी को मेरा और बहुत सारा प्यार। और हाँ, आज हमारी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए इस बड़े मौके पे। और हमारी फिल्म उड़ान जो है, उड़ान यानी ऊंचाई को छूने वाला फिल्म, तो हमारी यही कोशिश रही है इस फिल्म में कि हमने अपना 100% दिया है। होप आप लोगों को पसंद आएगा। ये फिल्म बहुत ही एक ऐसी लव स्टोरी है जो कि दिल को छूने लायक है। और इसका ट्रेलर हमने लॉन्च किया है। इसमें ट्रेलर में कुछ हमारे फिल्म के गाने भी इसमें एडेड हैं और कुछ सीन्स भी हैं जो कि बहुत ही जो इस फिल्म को बताते भी हैं कि यहाँ क्या चीज़ें हैं। लाइक ये फिल्म भोजपुरी की ऐसी पहली फिल्म होगी जो कि जिसे कहते हैं ना पारिवारिक फिल्म। इसमें कुछ भी ऐसी अश्लीलता नहीं है। भोजपुरी के लेकर के लोगों की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि नहीं, भोजपुरी फिल्म में वर्गैलिटीज़ होते हैं वगैरह वगैरह, लोग ऐसे सोचते हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर है अजय सिंह जी, मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक नई सोच के साथ इस फिल्म को एक अच्छा डायरेक्शन दिया है। और मुझे भी उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और कहते हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे हर चीज़ अच्छा होता है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सुभाष नानावरे जी और रमेश मुंगला जी, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया तो हम जाकर के कुछ ऐसा कर पाए हैं। उनके माध्यम से हमने ये दिखाया है, हमने पहले तो एक लव स्टोरी दिखाई है और लाइक एक समाज को मैसेज है कि प्यार जो उड़ान, लाइक फिल्म का जैसे टाइटल है उड़ान, ऊंचाइयों को छूना, तो हमने इस फिल्म में प्यार की ऊंचाइयों को छुआ है और लोगों के दिलों तक अपना प्यार लेकर क्या है। जिस किरदार के लिए सोचा उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अभी तक जितनी भोजपुरी सिनेमा मैंने किया है, खास करके पुलिसिया करेक्टर, उसमें लोग मुझे हमेशा हवलदार बनाए। पहली बार अजय जी ने कोशिश किया कि इंस्पेक्टर बनाया, तो उसके लिए थैंक यू अजय जी। और बहुत बेहतरीन सिनेमा बनाई है अजय जी ने, एक कोशिश किया है टीनेजर्स, हमारे यहाँ टीनेजर्स के लिए देखने के लिए कुछ नहीं है। जनरेशन ग्रोथ कर रहा है, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है और टीनेजर्स के लिए पहली बार अजय जी ने कोशिश किया है और मैं अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तम जी, ये जो फिल्म है, मैं बहुत पहले से भोजपुरी सिनेमा देखता आ रहा हूँ और इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक परिवार बैठकर ना देख सके। पूरी फिल्म पारिवारिक है, लव स्टोरी है और साफ सुथरी फिल्म है जो कि हर कोई ऑडियंस, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई देख सकता है। और अजय जी की जो कोशिश है कि अच्छा सिनेमा, अच्छा एक अच्छी फिल्म बनाने की है, वो उन्होंने बना दिए। ये मिला है जो लोगों ने अभी दिया मेरे ट्रेलर को देखे, उसे मैं बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैंने विचार रखा है अपनी फिल्म में वो दर्शकों को पसंद आएगा। और जिन लोगों ने भी मेरी प्रशंसा की या मेरे जो टीम के मेम्बर अभी जिन संजय वर्मा, अंजलि बनर्जी जो मेरी फिल्म की हीरोइन है, उत्तम मोहंती जो मेरे फिल्म के सेकंड लीड में है, इन लोगों ने जो तारीफें की, जो व्यक्त किया हमारे फिल्म के बारे में, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी फिल्म अब मुझे कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, सारी बातें लोगों ने कह दिया। मैं सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ कि उड़ान ऑडियंस देखने आए, मुझे आशीर्वाद दे और एक अच्छी फिल्म का को प्रोत्साहित करें। मूवी को यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा एंड न्यू डायरेक्टर को अजय भाई को, दिस द थर्ड मूवी, उसको बहुत इंकरेज करके मूवी को रिलीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे। स्टोरी भी अच्छा स्टोरी आ गया एंड इट्स मोस्टली भोजपुरी नहीं है, हिंदी मूवी का स्टाइल में हम लोगों ने मूवी निकाला है। स्टोरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्टोरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड स्पेशली ये मूवी को पूरा मूवी सतारा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पर्ली गांव का है और इधर भी अपन का
गोडपड़े जी है, उसका ही गांव में उसका बिल्डिंग में शूटिंग किया था, बहुत अच्छा लोकेशन मिला उधर। एंड पूरा का जो लोकेशन लिया, लाइव लोकेशन के कैप्चर किए हम लोगों ने, ऐसे सेटिंग नहीं है ऑलमोस्टली। एंड इसमें मेनी थैंक्स टू एंटायर टीम, उड़ान का पूरा एंटायर टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एक लेवल तक आ गया। इतना पेशेंस से डायरेक्टर जी ने और प्रोड्यूसर साहब ने एंड टीम लोगों ने और मेरा कंपनी का एम्प्लॉय लोग भी बहुत हेल्प किया है। तो मैं हूँ सोनी पटेल और ये उड़ान मूवी में मुझे व्हाट्सएप भौजी का करेक्टर मिला है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर अजय सिंह जी, प्रोड्यूसर सुभाष नानाभरे जी, शरद घोरपड़े जी, इन सबों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इसमें एकदम हटके कॉन्सेप्ट दिया व्हाट्सएप भौजी। तो मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला और मैंने पहले बहुत सारे मतलब बहुत पहले डांस क्लासेस सीखे थे पर कभी फिल्मों में मुझे मौका नहीं मिला। तो इनकी इस फिल्म के थ्रू मुझे पहली बार गाने पे डांस करने का मौका मिला और रियली मैं बहुत खुश हूँ। और इंतजार इंतजार रहे सर, उड़ान का ट्रेलर तो क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा बना है। और सबसे पहले ये है कि भोजपुरी फिल्मों में बहुत ज़्यादा थोड़ा डबल मीनिंग वो उस तरह का ये होता है, पिक्चराइजेशन होता है, लेकिन ये पिक्चर में आपको बहुत ही साफ़ सुथरी जो कि आप लोग पूरे फैमिली के साथ में बैठ के, बच्चे के साथ में बैठ के, पूरे माँ बाप के साथ में बैठ के देख सकते हैं, कोई झिझक नहीं होगा आप लोगों को देखने में, ये मैं बोलता हूँ। जमीन से उड़ान तक फिल्म है, ये फिल्म वाकई अपने डायरेक्टर अजय सिंह जी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अभी हम लोग ट्रेलर देखा, वो ट्रेलर बहुत ही अच्छा ट्रेलर निकाला है। और हमारे मेन प्रोड्यूसर अभी ऐसा भोजपुरी गाना सुना भी नहीं और फिल्म देखा भी नहीं, लेकिन अपने जो सहयोगी है सुभाष ननावरे जी, डॉक्टर रमेश मुंडगाला और घोरपड़े साहब, इन्होंने अच्छा दिमाग में उनका आया कि हम भोजपुरी पिक्चर बनाएंगे। और खर ये है महाराष्ट्रियन, लेकिन इन्होंने भोजपुरी पिक्चर बनाने का ट्राई किया है, लेकिन आप भोजपुरी सब हो, लेकिन आपकी तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है कि आप बोल रहे कि आप जिंदगी में ऐसा कभी भोजपुरी में पिक्चर बनाई नहीं, फैमिली बैठ के कभी पिक्चर देख भी नहीं सकते, लेकिन ये अभी आप बोल रहे कि ये फैमिली देख बैठ के पिक्चर साथ में देख सकते हैं और अच्छा इन्होंने ट्राई किया है। अजय सिंह पहली बार अभी इसमें आ रहे, इंडस्ट्री में आ रहे हैं और सही में उन्होंने बढ़िया बनाया है। और